किस बात का? इस बात का कि 18 साल के मुख्यमंत्री ने 20 साल की बीजेपी की सरकार ने 1 करोड़ नए बच्चों को बेरोजगार कर दिया। हर घर नशा, घर घर नशा, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश की इस तरह की दयनीय स्थिति कर दी। साथियों, भ्रष्टाचार का आलम कितना सर चढ़ के बोलता है कि वल्लभ भवन में 3 बार एक साथ चुनाव से पहले पूरी फाइलें स्वा कर दी। आप देखें किसान के हालात, शिवराज जी ने पिछले 20 साल में 1 लाख बार कहा कि मैं किसानों की आय दुगनी करूंगा। किसानों की आय दुगनी करने की बजाय उन्होंने लागत दुगनी कर दी। 2018 में शेरपुर में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से यह खिलवाया कि मैं किसानों की आय 2022 तक दुगनी कर दूंगा। 2019 में, 2018 में किसानों की जो समर्थन मूल्य था वो 1925 रुपया था और आज समर्थन मूल्य 2145 रुपया है, लगभग 200 रुपये बढ़े। जब हमने 3000 रुपये क्विंटल की सर्वसम्मति से प्रस्ताव रख के मांग की कि किसानों के वोट से ही विधायक बनते हैं, किसानों के आशीर्वाद से ही लोकसभा में नेता जाते हैं, किसानों की आय दुगनी करने को लेकर शिवराज जी ने बहुत बातें की, उन्होंने 100 बार झूठ बोला, 1000 बार बोला, 1000000 बार बोला, सब बातें अपने आप में पूरी हो जाती है। अगर हम सब मिलकर किसानों के गेहूं का दाम सर्वसम्मति से बिना राजनीतिक दलगत राजनीति से 3000 रुपये क्विंटल करते, मैंने कोई गलत बात तो नहीं की? अगर मैंने यहां भी बोला कि अगर इसका श्रेय लेना हो शिवराज जी, आप जब किसानों के गेहूं का दाम 3000 करोगे तो स्वाभाविक रूप से आपकी किसानों में पेट बढ़ेगी, किसान आपको समर्थन करेंगे, लाड़ करेंगे, दुलार करेंगे, उसका शायद प्रतिशत भी आपको मिले। पर किसानों से इतनी नफरत क्यों है शिवराज जी? 6 किसानों को मंदसौर में घूम दिया। जब मैंने 3000 रुपये क्विंटल की मांग की तो बीजेपी के सारे विधायक एक साथ, सारे मंत्री इसका विरोध करते रहे। क्या भारतीय जनता पार्टी का किसान कार्यकर्ता इस बात को महसूस नहीं करता कि 3000 रुपये क्विंटल की जब बात चालू हुई तो हमारे विधायकों ने, हमारे नेताओं ने, हमारी सरकार ने उसका विरोध किया? तो आप किसान भारतीय जनता पार्टी को माफ करना चाहिए क्या? बोल के बताओ, करना चाहिए क्या? साथियों, दो व्यक्ति आपके सामने, एक कांग्रेस पार्टी से रामलाल यादव मालवीय जी और एक सतीश, भैया शांत रहो जरा, एक सतीश मालवीय जी। मैं किसी की भले बुरे नहीं करना चाहता, सतीश मालवीय को भी मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं, पंचायत सचिव जानते हैं, पटवारी जानते हैं, तहसीलदार जानते हैं और रामलाल मालवीय को भी सब जानते हैं। इनने कभी सचिव से 10 रुपये नहीं मांगे और सतीश ने एक भी सचिव को छोड़ा क्या? अरे छोड़ा क्या? रामलाल जी ने एक भी पटवारी से, यूं मैं भी पटवारी हूं, एक भी पटवारी से कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की। पटवारी हड़ताल पे है पर मेरी बात आएगी, हर हल्के में भेजो कि रामलाल मालवीय, जोर से बोलो रामलाल मालवीय। साथियों, कभी इनने ऊंची आवाज में जैसा ये कह रहे थे, किसी व्यक्ति से आज तक मैंने इनको बात करते नहीं देखा। राजपूत समाज हो, पाटीदार समाज हो, सोंधिया समाज हो, कितने ही समाज जिनको आजना समाज हो, मुंह से किसी भाषा से अलग अलग समय पे वक्तव्य दिए, ये किसी से भूले नहीं है। अरे कुछ साल पहले 2018 में की बात है, 17 की, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उज्जैन में रोड पे दौड़ा दौड़ा के मारा, मारा कि नहीं मारा भैरू सिंह को? अरे मारा कि नहीं भगवत सिंह चौधरी को? तो जब ये अपनी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़े तो इनको छोड़ेंगे क्या? आपको छोड़ेंगे क्या? हमको छोड़ेंगे क्या? अभी टिकट मिली भन्ना ने, विनम्रता बिल्कुल भी नहीं, गंभीरता नहीं, स्थिरता नहीं। और एक तरफ ये मूर्ति स्थिरता की भी है, गंभीरता की भी है, परिवार की भी। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि न रोजगार है, भ्रष्टाचार सर चढ़ के बोल रहा है, किसानों के हालात खराब है,
व्यापारी परेशान, कर्मचारी परेशान। मैं इतना ही आपसे आशा करता हूं कि नरेंद्र मोदी जी शिवराज जी को आशीर्वाद भी देना चाहते। जब जेपी नड्डा से पत्रकारों ने पूछा कि आपका किस चेहरे पे आप चुनाव लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ेंगे। जब अमित शाह से जबलपुर में पत्रकारों ने पूछा कि क्या शिवराज जी 20 साल का मुख्यमंत्री है, इनके नाम पर आप चुनाव लड़ोगे, तो अमित शाह जी ने कहा कि हमारा आंतरिक निर्णय सही समय पर लेकर आपको अवगत कराएंगे। नरेंद्र मोदी, बीजेपी, अमित शाह, जेपी नड्डा जब शिवराज जी को आशीर्वाद नहीं देना चाहते तो जनता को देना चाहिए क्या? अरे देना चाहिए क्या? साथियों, अभी दो दिन पहले बीजेपी की एक नई लिस्ट आई जिसमें 9-7 सांसद, 3 केंद्रीय मंत्री, 1 महासचिव, 1 पुराना बीजेपी का अध्यक्ष जो सांसद था, सब कुछ छोड़ देंगे। क्या एहसास कराता है कि हवा का रुख बदलने वाला है, हवा का रुख। तो आप सब, रामलाल जी मुझे मंत्री बना रहे थे, रामलाल जी दिलीप भैया को मंत्री बना रहे थे, पर महाराणा प्रताप नगर का विधायक भी मंत्री बनेगा और हमसे बड़ा बनेगा, याद रखना। मैं, राजा साहब हमारे बीच में हैं, मैं इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि आप सब परिवार के लोग इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, इतने उत्साह से आए हैं, सोयाबीन की फसलें हैं, सोयाबीन 1-2-3 क्विंटल से ज्यादा भी नहीं है, परेशानी है, उनका बड़ा जितना बड़ा जन समर्थन, इन्हीं बात को घोषक है कि कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेगा और कांग्रेस की सरकार। तो मैं आप सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करना चाहता हूं, संकल्प लो, हाथ खड़े करके संकल्प लो, राजा साहब को बताओ कि हम सब मिलकर इस बार कुछ हो जाए, न जात पे न पात पे मोहर लगेगी। आदरणीय राय साहब दिग्विजय सिंह जी से मैं अनुरोध करता हूं कि वो भी आए, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। धन्यवाद जीतू भाई, आप जो खड़े हैं गिरीश वर्मा जी, सब लोग बैठ जाओ भाई, पीछे के लोग बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, वो पीछे के लोगों को दिक्कत हो रही है, आप लोग भी बैठ जाए तो अच्छा है। हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष कौन है, हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव कुलदीप इंदौरा जी, हमारे युवा नेता भाई जीतू पटवारी जी, आपके अपने भाई रामलाल मालवीय जी, माननीय विधायक दिलीप गुर्जर जी तथा मुरली मोरवाल जी, मंच पर उपस्थित हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण, उपस्थित आदरणीय देवी और सज्जनों, साथियों, इस देश में कांग्रेस पार्टी ने आपको आजादी दिलाई, वोट का हक दिया, लोकतंत्र का हक दिया और आपको वो अधिकार दिया, जिसको चाहो उसको राजा बनाओ और जिसको ना चाहो उसको उतारो। और इसीलिए कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन 5 सालों में लगातार आपके बीच में रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो केवल चुनाव के लिए आपके पास आते हैं। रामलाल मालवीय कैसे विधायक रहे हैं जो निरंतर यहां की दिक्कत परेशानियों को मुझे अवगत कराते रहे, कमलनाथ जी को अवगत कराते रहे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज यदि 20 साल का इनका रिकॉर्ड देखें, 15 महीने कमलनाथ जी के कम कर दीजिए, उसकी मैं तुलना करूंगा, कांग्रेस पार्टी ने 1993 से लेकर 2003 तक किसानों को मुफ्त में बिजली दी कि नहीं दी, गरीबों को 1 बत्ती कनेक्शन मुफ्त में दिया कि नहीं दिया, बेरोजगारों को भत्ता दिया कि नहीं दिया, पंचायती राज में सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला परिषद अध्यक्षों को अधिकार दिए कि नहीं दिए,
के बाद क्या नामांतरण बंटवारे का अधिकार ग्राम पंचायत को दिए कि नहीं दिए। अब ये सब काम हम लोगों ने किए। साथ में हमने गरीबों को पट्टे बांधे, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को पट्टे बांधे, आवास के पट्टे बांधे, लोगों को हक दिया, अधिकार दिया। और उसके बाद सरकार हमारी नहीं, 2003 के बाद मुफ्त में बिजली मिलना बंद हो गया कि नहीं हो गया। किसानों को जो नामांकन बंटवारे पंचायत के होते थे वो बंद हो गए कि नहीं हो गए। पंचायत राज वापस हो गया कि नहीं हो गया, वापस ले लिए उन्हें सारे अधिकार। कौन सा अधिकार गरीब को, अनुसूचित जाति जनजाति और मजदूर को दिया? पहली बार इस देश में किसानों का कर्जा माफ किया, 72,000 करोड़ का कर्जा केंद्र सरकार के डॉक्टर मनमोहन सिंह जी सोनिया जी ने करवाया कि नहीं करवाया? कई फॉर्म नहीं भरना पड़ा, आपके खाते में एडजस्टमेंट हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक ठेला का भी कर्जा माफ किया क्या? और मोदी जी ने इस पिछले 9 साल में बड़े बड़े उद्योगपतियों के 12.5 लाख करोड़ कर्जे माफ किए। कितने? 12.5 लाख करोड़। लेकिन किसान और मजदूर का एक पैसा भी उन्होंने माफ नहीं किया। किया हो तो मुझे बता दो। कमलनाथ जी ने कहा था 2 लाख के कर्जे माफ करेंगे, कर्जा माफ होने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 50,000 तक के पहले माफ हुए, फिर 1 लाख तक के हुए, जिन्होंने सरकार गिरा दी। और ज्योतिराज सिंधिया जी कहते थे किसानों की लड़ाई में लड़ूंगा, और शिवराज सिंह चौहान से कहते थे, शिवराज सिंह चौहान तुम्हारे हाथ किसानों के खून से रगे हुए हैं, ये धुलने वाले नहीं। अब पता नहीं कौन सा साबुन दे दिया किसानों को। हमारे सिंधिया महाराज को तो शिवराज सिंह चौहान के थप्पे भी मिट गए और उन्हीं के साथ। मैं तो कहता हूं, अरे योद्धा वो होता है जो अपने आदर्शों के लिए लड़ता है, जो अपने जो विचारधारा है उसके लिए लड़ता है। हार जीत होती रहती है, लेकिन कभी हार कर आत्मसमर्पण नहीं करता, उद्देश्यों के लिए लड़ता है। लेकिन ज्योतिराज सिंधिया जी ने जिससे पार्टी से चुनाव हारे उसी में शामिल हो गए। ये योद्धा की निशानी नहीं होती, कायर की निशानी होती है। अब कई बार मैं कह चुका आपसे दिखती राजा जिंदाबाद मत किया कर। अभी एक नई बात शुरू हो गई, ये दिखती राजा का फोटो जो है हमारे हरत पे नहीं लगा। मैंने ही मना किया था, क्योंकि मैं अपना चेहरा रोज शीशे में देख लेता हूं, मुझे दिखाने की जरूरत नहीं है। और मैं मुख्यमंत्री जब था तो कभी सरकारी विज्ञापनों पर मैंने अपना चेहरा नहीं लगाया। और आज शिवराज सिंह चौहान का हालत यह है कि अखबार उठाओ तो रोज वही दिखते, और झूठ बोलने में तो माहिर है। आखिर ये सारे अधिकार जो कमलनाथ जी ने आपको दिए, जो हमने आपको दिए, जो केंद्र सरकार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के दिए, वो सब अधिकार छिन गए। और उसके बाद कहते हैं जन आशीर्वाद। अरे आशीर्वाद तो सब मिलता है,
जब आप किसी की भलाई करो। अरे पंडित जी के मंदिर में जाते हो तो माला चढ़ाते हो, ठाकुर जी को प्रचार चढ़ाते हो, तभी तो आशीर्वाद मिलता है। अब आपने अनुसूचित जाति जनजाति के पट्टे कैंसिल कर दिए, जमीन छुड़ा ली, लोगों को घर गिरा दिए, पट्टे कैंसिल कर दिए और बिजली के बिल बढ़ा दिए। अब 19 साल के बाद उनको अपनी बहना याद आई, लाडली बहना। 19 साल पहले क्यों नहीं हुआ? कांग्रेस और भाजपा में यही फर्क है, हम जो वादा करते हैं उसी दिन फैसला कर लेते हैं जिस दिन सरकार हमारी बनती है। कमलनाथ जी ने पहला निर्णय किया कर्जा माफ, और शिवराज सिंह चौहान जी ने हजारों घोषणाएं करी, अपने अभी गिना दिया, और अब हालात ये हो गए कि उनको बहना की याद है, कि लाडली बहना। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर इतना ही प्रेम था बहना के प्रति, आपका आकर्षण था, उनको मदद करना चाहते थे, तो ये गैस की टंकी आज 1150 में मिल रही है। आपको 1000 रुपए देने थे ना उनको, लाडली बहना को, तो गैस की टंकी 150 रुपए में दे देते, अपने आप 1000 रुपए उनके घर में आ जाते। अब उसके बजाय उन्होंने कहा कि फार्म भरो, अब फार्म भरो तो ऑनलाइन भरो, ऑनलाइन भरो तो इंटरनेट नहीं आ रहा है, ओटीपी नहीं आ रहा है। महीना डेढ़ महीने तक हर परिवार में महिलाओं ने अपने बेटे और पति और पिता सबको इस काम पे लगा दिया, मेरा फॉर्म भरवाओ, और पूरे टाइम फॉर्म भरने में 1000-1500 रुपए चले। किस बात का आशीर्वाद आपको दे? आपने बिजली के बिल के मामले में लोगों के घर की खिड़कियां की हैं, मोटरसाइकिल उठा के ले गए हो, घर में गरीब रेडिएटर कूलर लेके आया था उठा के ले गए हो। अरे आपकी लाडली बहना के पति अपने जीजा जी को आपने जेल भेजा है, याद मत रखो, याद रखो इस बात को, तब आपको याद नहीं आई? ये पूरा का पूरा जो है ये जन आशीर्वाद यात्रा नहीं है, इनको दंड देने वाली यात्रा होनी चाहिए, और ये दंड देने वाली यात्रा हमारी जनाक्रोश यात्रा है। हालात क्या हो गए? जिन भाजपा के नेताओं के पास टूटी साइकिल नहीं थी, आजकल बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं। कहां से आया पैसा? ये सब पैसा आपका है। जो छोटे छोटे काम मुक्त हो जाते थे, आज हजारों रुपए में उनसे वसूली की जा रही है। कमलनाथ जी ने वादा किया, और कमलनाथ जी जो वादा करते हैं हम सब मिलकर तय करते हैं। हमने वादा किया है गैस की टंकी 500 रुपए में दी जाएगी, देंगे। बहनों को 1500 रुपए में मेहमान के देंगे, दिए। ये योजना हमारी थी लाडली बहना की, हमने घोषणा की थी 2019 में न्याय योजना हमने घोषित की थी, अगर सरकार हमारी चीज में बनती तो गरीबों के महिलाओं के परिवार में 6000 रुपए माहवार हम लोग उनके घर में पहुंचाते। हिमाचल प्रदेश ने घोषणा की थी, उन्होंने देना शुरू कर दिया। कर्नाटक में घोषणा की थी, देना चालू कर दिया। जो कहते हैं जो करते हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा है कमलनाथ जी ने, सरकार हमारी बनती है तो किसानों को 500 रुपए की बिजली मुफ्त में दी जाएगी, पुराने बिजली के बिल माफ किए जाएंगे, 100 यूनिट
यूनिट की बिजली 100 रुपए में दी जाएगी, मुफ्त दी जाएगी, 100 यूनिट तक मुफ्त में दी जाएगी और उसके ऊपर आधी रेट ली जाएगी। हर तरह की घोषणा हमने जो की है, हमने एक वादा पूरा किया। जो कर्जा माफ होने की योजना रुक गई थी उसको हम पूरा करेंगे, पंचायतों को पूरा अधिकार देंगे। मैं पूछना चाहता हूं यहां पे 93 और 2003 के बीच के कोई जनपद अध्यक्ष या जिला परिषद का अध्यक्ष हो तो मेरा हाथ उठा दो। अच्छा, कितने लोगों को आपने नौकरी दी थी बताइए। ये 2000 लोग वो थे जो आज के ही इलाके के रहने वाले, कोई बाहर वाले को तो नहीं दिया, आधे लोगों को दिया। और कौन है दूसरे? होशियार सिंह जी, आपने कितनी नौकरी दी थी? 2000। अब 2000 उन्होंने भटनगर में दे दी। बात ये है, ये वो लोग हैं जिन्होंने गांव और शहर उसके इलाके के लोगों को नौकरी दी और कांग्रेस पार्टी जाने के बाद ये अधिकार छिन गए। व्यापम आ गया और व्यापम में किसको नौकरी मिली? जो गरीब का योग बेटा होगा बेटी होगी उसको नौकरी नहीं मिली। किसको नौकरी मिली? जिसके बाद नगदुल्ला था, जिसके बाद नगद नोट थे, नालायक बेटा बेटी को भी नौकरी मिल गई। ये हालात है। अभी पटवारी की भर्ती हुई और पटवारी की भर्ती के अंदर पोल खुल गई। ये ऑनलाइन जो परीक्षा होती है इसमें बहुत बड़ी जो योजना है इनकी पैसा लूटने की, अब उसमें भी एक महीने तक परीक्षा हो रही है। किसी दिन एक पेपर है, किसी दूसरा पेपर है और उसमें फिर कहते हैं कि साहब ये पेपर कठिन था इसके मार्क्स बढ़ा दो, ये पेपर आसान था इसके पेपर घटा दो, मतलब जो डिफिकल्ट पेपर था घटा दो, आसान जो उसको बढ़ा दो। इस तरह से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन की बात की। ये नॉर्मलाइजेशन में बहुत बड़ी गड़बड़ी होती है और इसलिए हम कहते हैं कि हम लोग ये ऑनलाइन परीक्षा खत्म कर देंगे, सीधा ऑफलाइन परीक्षा होगी। एक दिन में सारा पूरे मध्य प्रदेश में परीक्षा दो। आज हालात ये है कि जिले के बच्चे ब्लॉक के बच्चों को संभाग में जाना पड़ता है, हर ब्लॉक में हर जिले में परीक्षा हो, एक दिन में परीक्षा हो और वही जांच करके वही उसके नंबर घोषित करो, उसको पकड़ा दो, कॉपी वापस लौटा दो, ताकि ईमानदारी से बात हो सके और ये हम लोग लागू करेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ सरकार चलाएं। अरे लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। ये परिवर्तन की लहर है, मौका है आपको। अब हालात शिवराज सिंह जी चौहान की हो गई है कि उनके भ्रष्टाचार की पोल नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह तक पहुंच गई है। कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं ये उसकी जानकारी मिल गई है और इसीलिए आप उन सबको टिकट दे रहे हैं जिनकी शिवराज सिंह जी से कौन मुख्यमंत्री बनता है मैंने जान, हमें फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन सरकार तो उनकी तब बनेगी जब तक जब आप जिताओगे और मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया इसको हराने का। मैं पिछले 6 महीने से पूरे मध्य प्रदेश में घूम रहा हूं, मैंने इतना कांग्रेस के पक्ष में माहौल अपने जीवन में नहीं देखा जो अपने सरकार हमारी बन रही है, बनेगी।
सामरिक अधिकारी और अधिकारियों से भी मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं। अरे लोकतंत्र में संविधान ने आपको जो अधिकार दिया है ईमानदारी से पालन करो, झूठे प्रश्न बनाना बंद करो। अक्सर लोग उनकी दलाली करना बंद करें, उनके लिए चंदा इकट्ठा करना बंद करें। मुझे बताया गया यहां का उम्मीदवार शायद भाजपा का घोषणा हो गई, उसने वसूली शुरू कर दी, वसूली भी शुरू कर दी और अधिकारी कर्मचारी भी। ये मत करो, नुकसान होगा। हम लोग देख रहे हैं, हिसाब रख रहे हैं, हिसाब किताब करेंगे। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं, समय आ गया है बदलाव का, परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। संविधान में जो भी अधिकार दिया गया है हर व्यक्ति को, लोकतंत्र में अधिकार है वोट देने का, हर समाज के व्यक्ति को अपने धर्म की आस्था के अनुसार उसका पालन करने का अधिकार है। हिंदू अपना धर्म का पालन करे, मुसलमान अपना धर्म का पालन करे, ईसाई सिख बौद्ध जैन अपने धर्म का पालन करें। हमारा धर्म सनातन धर्म है जो सर्वधर्म संभाव तथा सारे धर्मों का समान सम्मान करना ही सनातन धर्म है। हम धार्मिक आयोजन करते हैं तो क्या नारा लगाते हैं, धर्म की अधर्म का प्राणियों में और विश्व का, विश्व में तो सभी आते हैं, हिंदू भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं, प्राणियों में सब आते हैं, छोटे भी हैं, बड़े भी हैं। इसलिए सभी का सम्मान करो, भेदभाव मिटाओ, प्रेम और सद्भाव से ही हम इस देश को आगे बढ़ा सकते हैं। यही मैं आपसे कहने आया हूं। आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया। एक बात और कहना चाहता था, ये पूरे तरीके से किसान विरोधी सहकारी समितियां, सहकारी बैंक हमारा किसानों के हित में काम करता था। एडवांस में हमारे खाद बीज पहुंच जाता था और बिना ब्लैक मार्केटिंग के खाद मिल जाता था। लेकिन 20 साल से इन्होंने सहकारियों के सहकारी विभाग का चुनाव नहीं किया और साथ में किसानों का नाम पर लोन चलाकर, फर्जी लोन चलाकर इन्होंने अपने खाते में डलवा दिए। अब आपके खटिया समिति, दीपानिया गोयल, अम्बोदिया लकोड़ा, अधिकर केड़ी 80 लाख, 3 करोड़, 80 लाख, 1 करोड़, 80 लाख, इनके घोटाले हैं। घोटाले किसने किए? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मिलकर, अधिकारी कर्मचारियों ने मिलकर किए। ये तो केवल 4 समितियों का मामला, सैकड़ों करोड़, हजारों करोड़ का मोटा आम मामला होगा। पूरे प्रदेश में हजारों करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है। नरेंद्र मोदी कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन हालात ये है कि भाजपा के नेताओं से कहते हैं खूब खाओ और खूब खिलाओ, यही इनका नारा हो चुका है। इसके साथ में एक और बात है कि हमारे निजी स्कूल जो चलते हैं उनको भी नियंत्रित करने का जो कुशल प्रयास हो रहा है उसमें बहुत सारी मांगे उनकी हैं, उनकी मांगों पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। और मैं सहमत हूं, ओल्ड पेंशन स्कीम, जो पुराने हमारे रिटायर्ड टीचर्स हैं, हमारे रिटायर्ड कर्मचारी हैं, सारे सेवानिवृत्त शासकीय कर्मचारियों के ओल्ड पेंशन स्कीम के आधार पर उन्हें पेंशन दी जाएगी, ये हमारा वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बोल भारत माता की, भारत माता।
कहूंगा जीत लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे, लड़ेंगे जीतेंगे लड़ेंगे जीतेंगे। धन्यवाद। भारत माता की जय।